मैं स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार मुरारी प्रसाद गौतम जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी, माननीय विधायिका नीतु सिंह जी और हमारे परम प्रिय हमारे भाई अमोद कुमार निराला जी एवं अन्य सभी अतिथियों का मैं दिल से अभिनंदन वंदन एवं वेल करता हूं। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं, आप लोगों का जोश और जुनून देख के एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नाती है हमने मुट्ठी भर नहीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, इनको पूरा आसमान बाकी है। निराला जी ने कहा था कि हम बापू सभागार में कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमने बहुत कहा कि बहुत अच्छी बात है और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी हरी संचालन साथ का सबको की सबसे पालन हो तथा धारा हम पे से सजावा का अनुपालन एवं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद करा हो तथा माननीय नारा का पूर्ण सहयोग दिलाना सुनिश्चित करा हो। आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे पंचायती राज के राजा हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आपसे जन निवेदन है कि दहराई से मेरे मांग पर गरीब भाई के मांग पर गरीब बहन के मांग पर जरूर विचार करेंगे। आज हमारा ग्राम कचहरी न्यायाधीश को वार्ड पंचायत स्तर पर विकासात्मक कार्यों की समीक्षा मेरे से लेकर करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि जब विकास का काम होता है तो माननीय न्यायालय का उसमें अधिकार होता है। हम भी न्यायालय है, मुझे भी वह अधिकार दिलाई जाए। नौवां लिप्त तो हो रहे ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या मारपीट पर अंकुश लगाते हुए इस स्क्रीनिंग ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाए तथा सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। दसवां ग्राम कचहरी सरपंच सरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान हो तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को अग्नि अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। सम्मानजनक वेतन दिया जाए, वेतन वृद्धि किया जाए, अन्यथा यह सम्मेलन बहुत जल्दी एक ठोस भंग लेकर के वह सहयोग आंदोलन चलाने का काम करेगा और आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र होगा शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव लगे, यह सम्मेलन इस चीज का निर्णय लेने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं आप अपने बिहार के सरपंच दीपावली दशहरा छठ ही मोहर्रम तमाम प्रकार के त्योहार इनके लिए टीका साबित हुआ है। मैं अपील करना चाहूंगा आप तमाम अतिथि और बिहार की सरकार केंद्र की सरकार महामान राष्ट्रपति और महामान राष्ट्रपति में अपील करना चाहूंगा कि कम सरपंचों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए, अन्यथा हम लोग चलाने का काम करेंगे जिसका जवाब मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मैं अपील करना चाहता हूं एक नोटिस है जिन साथियों का आप सरपंचों का जगह नीचे में नहीं मिल पा रही है, आप उधर देखें उधर खाली है और ऊपर में भी हॉल खाली हुआ है, गैलरी खाली है। तमाम लोग से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना जगह लें और मैं अपील करना चाहूंगा सहरसा के सरपंच के संरक्षक विष्णुदेव महाराज जी कृपया मंच पर आकर के फोटो से उपलब्ध कराने का काम करें। मैं अपील करना चाहूंगा जो गैलरी के सामने खड़े हैं तमाम पंच सरपंच स्थान कार्य करें उधर देखे पूरा प्रचार में काफी जगह खाली है और ऊपर में भी गैलरी और खाली खड़ा हुआ है, आप तमाम लोग अपील करेंगे कि जगह है। मैं अपील करना चाहूंगा आप कहीं से सम्मेलन के
के माध्यम से आज हम लोग जहां से सीट लेकर के चले और जब तक कि हम लोगों के हित में घोषणा नहीं कर दी जाती है उसके बाद आज के सम्मेलन में हम लोगों को निर्णय लिया है कि पंचों के हित के लिए एकादश की मांग के समर्थन में हम लोग एक किसान जनमत आंदोलन चलाने का काम करेंगे। हम चाहिए यदि यह प्रस्ताव आपको सहमत है तो प्रस्ताव को पारित करें ताकि आने वाले समय में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और स्वास्थ्य सहयोग आंदोलन चलाने का काम करेंगे। इन्हीं सब तथ्यों के साथ कहा गया है कि बहुत बड़ी है फ्री प्रवासी करनी चाहिए इस हिमालय से गंगा करनी चाहिए। हम लगा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। तमाम सरपंचों का एकादशी की मांग पूरी होनी चाहिए। सरपंचों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। इन सब दबावों के साथ इंकलाब जिंदाबाद, पंच सरपंच श्रेष्ठ जिंदाबाद, पंच सरपंच जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।